हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल स्टडी विद डॉक्टर सोलंकी सर। मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में पहले आपके सिलेबस में क्या क्या है इसका इंट्रोडक्शन आपको हम देते हैं कि आपको सेकेंड ईयर में बॉटनी में क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स मेंशन हैं। जैसे बीएससी वन में आप लोग पढ़े होंगे लोअर बॉटनी, आप लोग पढ़े होंगे लोअर बॉटनी मीन्स यह है कि आपने थैलोफाइटा पढ़ा। थैलोफाइटा मीन्स क्या, जिसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलस के फार्म में होता था, जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, वायरस है, लाइकेन है, यह आप लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा आपने जो है एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर्स में ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेडोफाइटा पढ़ा, जिम्नोस्पर्म और पेलियोबॉटनी। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले आपको ब्रीफ में बताते हैं, क्योंकि सिलेबस सबके पास होता है। देखिए बॉटनी के जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट टू यूनिट होती है वो टैक्सोनॉमी की है। किसकी है, टैक्सोनॉमी मीन्स संक्षेप में आप कर लीजिए फैमिली के बारे में। जैसे आप लोग यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे तो संभवतः 7 या 8 फैमिली रही होगी, और इस कोरोना काल में विदाउट एग्जाम पास हो जा रहे हैं। फिलहाल ये विडंबना है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हालात को देखते हुए गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। फिलहाल बीएससी वन आप लोग भी विदाउट एग्जाम पास हो गए, लेकिन बीएससी टू विदाउट एग्जाम आप पास नहीं होंगे, और वही डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट ईयर के मार्क का बेस। सेकेंड ईयर में आप जितने अच्छे मार्क्स पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में आपकी मार्किंग होगी। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने इस बार बीएससी वन का एग्जाम नहीं कराया, लेकिन बीएससी टू और बीएससी थ्री का एग्जाम करा रहे। क्यों, क्योंकि पिछले वर्ष भी कोरोना के नाते बीएससी वन का एग्जाम नहीं हो पाया था, तो मार्किंग कैसे होती है, इसलिए बीएससी टू का एग्जाम हो रहा। तो आप लोग अपने दिमाग से ये बात तो फिट कर लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है, हर हाल में देना है, और आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के लिए होगा। इसीलिए बिल्कुल टाइमली कोचिंग स्टार्ट, फिलहाल टाइमली तो नहीं, 10 दिन फिर भी लेट है। सेकेंड ईयर का सिलेबस काफ़ी लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बॉटनी में सबसे ज़्यादा नॉलेज जो प्रोवाइड करता है वह बीएससी सेकेंड ईयर देता है, क्योंकि सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसी में हैं बीएससी सेकेंड ईयर में। तो मैं बात कर रहा था आपसे फर्स्ट पेपर की बात जो है, तो फर्स्ट पेपर में टैक्सोनॉमी है, और इस टैक्सोनॉमी में आपकी 27 फैमिली है। फर्स्ट टू यूनिट जो है, फर्स्ट और सेकेंड दो जो यूनिट हैं
वो आपकी टैक्सोनॉमी की है। और मैंने आपको बताया यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आप लोग बहुत पढ़े होंगे, 7-8 फैमिली पढ़े होंगे, यहाँ आपकी 27 फैमिलीज हैं, जिसमें से कुछ पुरानी भी फैमिली है जो आप पढ़ रखे हैं, जैसे क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी, लिलियसी, एस्टेरेसी या कंपोस्टी, तो ये सब फैमिली, सोलेनेसी, ये जो आप पढ़ चुके हैं वो भी फैमिली यहाँ पर इंक्लूड है। तो आपको ने बताया 27 फैमिलीज आपके सिलेबस में, और 5 क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। जैसे आप लोग बीएससी 1 में पढ़ते थे तो ब्रायोफाइटा का भी क्लासिफिकेशन हुआ करता था, टेरिडोफाइटा का, जिम्नोस्पर्म का, एल्गी का, बैक्टीरिया का, वायरस का, जिम्नोस्पर्म का, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 5 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। टैक्सोनॉमी में मीन्स है एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं आपको, और 5 बॉटनिस्ट के क्लासिफिकेशन होंगे, जैसे बेंथम एंड हुकर का है, हचिंसन का है, एंगुलर पांटल का है, तो कैरोलस लिनियस का है। तो मैंने आपको बताया ये जिसमें 2 काफी इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन पुटअप होते। इसके अलावा जो आपकी 3rd यूनिट होती है वो 3rd यूनिट है प्लांट एनाटॉमी की है। प्लांट है एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी में आपको क्या पढ़ना है, जो आप सेकेंड ईयर में बॉटनी में पढ़े होंगे या इंटर में पढ़े होंगे, कि रूट, स्टेम और लीफ, और रूट, स्टेम और लीफ का सेक्शन मीन ट्रांसवर सेक्शन, जैसे डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपके सिलेबस में टीशू है, प्लांट टीशू, जिससे प्लांट की बॉडी बनती है, तो प्लांट टीशू के बारे में पढ़ना। इसके अलावा आपके सिलेबस में कैम्बियम एंड कैम्बियम एक्टिविटी है। आप जानते हैं वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लैम के बीच में कैम्बियम होता है, और उस कैम्बियम के एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है, अर्थात स्टेम और रूट के मोटाई में वृद्धि होती है, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो वो आपको पढ़ना है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ और एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये हो गया आपका 3rd यूनिट। फिर 4th यूनिट है आपका प्लांट इम्ब्रियोलॉजी। क्या है? प्लांट इम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में क्या आएगा, आप लोग इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़े होंगे, आवृत बीजी पौधे का जीवन इतिहास, मीन्स इंग्लिश में पढ़े होंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मीन्स आपको वहां पढ़ना है कि जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता, फ्लावर होता, क्या होता है, फ्लावर होता। और आपको मालूम है फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कैलिस, कोरोला, इंडोसियम और गाइनेसियम, जिसमें आपको मालूम है
एंड्रूसियम और गाइनीशियम रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंड्रूसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनीशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इस एंड्रूसियम के अंदर बहुत से स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस के अंदर स्टेमन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मीन्स है आपको यहां पर पढ़ना है एंथर के बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, उससे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, वही चीज आपको फीमेल में पढ़ना है कि गाइनीशियम के में बहुत से कार्पेल होते हैं, कार्पेल में तीन पार्ट होते हैं, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारे इवेंट्स आपको इम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना। जो आपने इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ा था वो एक यूनिट है और इससे कम से कम आपके जो है 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा फर्स्ट पेपर के बारे में, क्लियर हो गया होगा आपका। फर्स्ट टू यूनिट क्या है, टैक्सोनॉमी मींस फैमिली, जिसमें 27 फैमिलीज हैं, 5 क्लासिफिकेशंस हैं। थर्ड यूनिट क्या है, प्लांट एनाटॉमी है। फोर्थ यूनिट क्या है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और मैंने आपको बताया ये पेपर आपका लगभग 3.5 महीने का समय ले लेता है और मैंने आपको बताया लेंदी है, समय लेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। सेकंड पेपर पर हम आते हैं, किस पे आते हैं, सेकंड पेपर। ये जो सेकंड पेपर है ये आपका क्या है, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो साइटोलॉजी है, मीन्स सेल बायोलॉजी है। जो आप लोग जूलॉजी में किसी पेपर में पढ़े होंगे सेल का स्ट्रक्चर के बारे में, माइटोकांड्रिया पढ़े होंगे आप लोग, गॉल्गी बॉडी पढ़े होंगे, राइबोसोम पढ़े होंगे, बोलिए। तो यहां पर आपको कुछ चीजें बढ़ जाएंगी, क्लोरोप्लास्ट भाई एनिमल में था नहीं, नहीं पढ़ा है, पढ़े होंगे आप लोग, यहां क्लोरोप्लास्ट बढ़ जाएगा, सेल वॉल बढ़ जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह सब आप पढ़े थे, वही चीजें यहां पर है। माइटोसिस मियोसिस आप पढ़े रहे होंगे वहां पर, तो एनिमल में था, ये प्लांट में है। इसके बाद क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, न्यूक्लियस पढ़े होंगे, वो सारी चीजें यहां पर है जो जूलॉजी में आप पढ़ रखे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। इसके बाद जो है आपका क्रोमोसोमल एवरेशन जो बीएससी वन में आप पढ़े होंगे, यूप्लाइडी एंड एन्यूप्लाइडी, वो सेम सारे प्रोसेस यहां पर भी है, बस ये है कि फर्स्ट ईयर में आप भाई थोड़ा कम पढ़े होंगे, सेकेंड ईयर एक क्लास बढ़ा तो थोड़ा सा सिलेबस आपका मैटर बढ़ जाएगा क्योंकि आपका क्लास बढ़ रहा है, बस अंतर इतना होगा। तो ये था आपका। इसके बाद हाँ, न्यूक्लियोसोम के बारे में कुछ टॉपिक नए हो जाएंगे और स्पेशल क्रोमोसोम, लैम्ब्रोस पॉलिटिन क्रोमोसोम आप जूलॉजी में पढ़े होंगे, यहां भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड यूनिट है आपका वो है आपका जेनेटिक्स है,
अब जेनेटिक्स में मेंडल्स के लॉ है और क्रोमो, और इसके अलावा आपको पढ़ना है इंटरेक्शन ऑफ जीन। जूलॉजी में भी आप लोग पढ़ेंगे, ईपिस्टेसिस पढ़े होंगे आप लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े होंगे, तो यहाँ कुछ टॉपिक्स आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन है वही चीज। इसके अलावा आपको लिंकेज यहाँ पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है, क्रॉसिंग ओवर डिटेल में आपको जूलॉजी पढ़ना था, यहाँ लिंकेज केवल डिटेल में आपको पढ़ना। इसके अलावा म्यूटेशन आप जूलॉजी में पढ़े होंगे, बॉटनी में भी म्यूटेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़ना। इसके अलावा जो है आपको सेक्स डिटरमिनेशन आप जूलॉजी में भी पढ़े होंगे, बॉटनी में भी पढ़ेंगे विथ माइन्यूट डिफरेंस। अब ये हो गया आपके लगभग थर्ड यूनिट तक, ये हो गया आपका। अच्छा, एक टॉपिक और बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो जूलॉजी में नहीं था बीएससी वन में, वो बॉटनी में है। इसके अलावा ये थर्ड यूनिट तक आपका हो गया सेकंड पेपर के, लास्ट यूनिट है आपका इकोलॉजी, जिसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है कि पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। इसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स क्या, कि कैसे, आप जानते हैं सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी लगभग आज से 5 अरब वर्ष पूर्व जो है 5 बिलियन ईयर्स एगो, तो उस समय केवल दो चीजें बनी थी, एक वाटर बॉडी और दूसरा रॉकी माउंटेन, और उस पर कैसे पौधे का निर्माण हुआ, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके बारे में दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाइड्रोजियर एंड जीरोजियर, जिसको आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे। हाइड्रोजियर मींस वाटर बॉडी में कैसे प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, और जीरोजियर मींस रॉकी सरफेस पर कैसे प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, तो वो सारी चीजें आपको यहां पढ़नी। इसके अलावा आपको और पढ़ना है एक टॉपिक, प्लांट एडाप्टेशन। आप लोग नाम सुनेंगे हाइड्रोफाइट, मीन जल में पौधे जो पाए जाते हैं वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी गेहूं का प्लांट है, गेहूं के प्लांट को जल की भी आवश्यकता पड़ती है समय समय पे, सूखे की आवश्यकता भी पड़ती है, लेकिन अगर किसी कारण से पूरा गेहूं का पौधा जल में डूब जाए, 10 दिनों तक डूब जाए, तो गेहूं की फसल सूख जाएगी। क्यों? कि वो हाइड्रोफिटिक प्लांट नहीं है, उसके अंदर एडाप्टेशन नहीं है। लेकिन वही जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, बोलिए, और कमल है, वो जल के अंदर रहता है लेकिन नहीं सूखता है। उसके अंदर क्या है, एडाप्टेशन, अनुकूलता है। तो मैंने आपको बताया, तो क्या क्या एडाप्टेशन है, वो कैसे सरवाइव करता है, या कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको जल की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप जानते हैं बबूल है। इसके बाद कैक्टस है, आपुंसिया नागफनी है, जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इसको, लेकिन फिर भी हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत से फीचर्स होते हैं, करेक्टर होते हैं, जो हॉट सीजन में अपने आप को सरवाइव करता है।
तो वही मैंने आपको बताया क्या क्या करेक्टर हैं, हाइड्रोफाइट्स के एडाप्टेशंस, जीरोफाइट्स के क्या एडाप्टेशंस हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है सेकंड पेपर के लास्ट यूनिट में। तो ये हो गया आपका। तो मैंने आपको बताया सेकंड पेपर सबसे इजी है क्योंकि मोर आर लेस है 70% सिलेबस आप जूलॉजी में कवर कर चुके हैं, और जो चीज़ आप पढ़ चुके रहते हैं उसको दोबारा पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि आपको प्रीवियस नॉलेज के बारे में। तो सेकंड पेपर भी मेरे समझ में आ रहा है कि आपके माइंड में मेकअप हो गया होगा क्या पढ़ना है आपको। इसके बाद हम किसके बात करते हैं, थर्ड पेपर की बात करते हैं। और ये जो थर्ड पेपर है ये है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या है आपका, मींस जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे डिफ्यूजन हुआ, ऑस्मोसिस हुआ, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन हुआ, बोलिए, और असेंट ऑफ सैप, कैसे वाटर ऊपर जाता है, कंडक्शन ऑफ वाटर हुआ, मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, प्लांट कैसे सॉयल से मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारे इवेंट्स आपको पढ़ने हैं यहां पर। इसके अलावा उसी में बहुत सारे टॉपिक आएंगे, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। इसके अलावा आप लोग पढ़ते हैं फोटोपीरियडिज्म, बहुत से पौधे हैं जिनको एक निश्चित समय तक उसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, मीन्स फोटो पीरियड। तो आपको सिलेबस में है फोटो पीरियडिज्म। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको जब तक लो टेम्परेचर नहीं मिलता उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है, जिसको हम वर्निलाइजेशन, बसंतीकरण बोलते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे आप इंटर में पढ़े होंगे ऑक्सिन है, जेबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सारे ग्रोथ हार्मोन्स आपके जो है सिलेबस में है। इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कम से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता। इसके बाद प्लांट है, मूवमेंट है, आप जानते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन में स्लाइट डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरी जो है बॉडी के पार्ट्स ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, मेरे हैंड का मूवमेंट है, लेकिन मेरा स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, मैं जहां पर खड़ा हूं वहीं पर खड़ा हूं। भाई आप इस समय फिलहाल मेरे पैरों की पोजीशन तो नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अंडरस्टूड है इतना तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि मैं अपने स्थान पे खड़ा हूं। अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो आपको इस कैमरे में दिखाई पड़ जाता, लेकिन यही क्या है, मैं यहां से जो है अब आगे की तरफ बढ़ गया, तो ये क्या होगा, लोकोमोशन होगा। मीन्स लोकोमोशन में क्या होता है, प्लेस डिस्प्लेसमेंट होता है,
स्थान का परिवर्तन होता है, स्थान का परिवर्तन होता है। मैं यहां से यहां आ गया, अब लोकोमोटरी आर्गन मेरा क्या था, गमन अंग क्या था, पैर था। अब यही आप लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं, किसी में सीलिया होता है, किसी में फ्लैजला होता है, बोलिए, किसी में स्यूडोपोडिया होता है, वे पैरामीसियम है, सीलिया के द्वारा वो लोकोमोशन करता है। यही युगलिना है, फ्लैजला के द्वारा लोकोमोशन करता है, बोलिए। और वही जो है, जैसे जानवर एनिमल्स हैं, वो पैरों के द्वारा अपने मूवमेंट करते हैं, हम आप पैरों के द्वारा मूवमेंट करते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो प्लांट होते हैं, वो प्लांट में क्या होता है, जो लोअर प्लांट होते हैं, जैसे कुछ है मोटाइल एलगी होती, आप लोग भी बीएससी वन में पढ़े होंगे, क्लेमाइडोमोनास है, वालवाक्स है, बोलिए। जो फ्लैजलेटेड होते हैं, सिलिएटेड होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया, जो फ्लैजलेटेड बैक्टीरिया होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करेगा, वह जो है लोकोमोशन करेगा। लेकिन यही आम का पौधा है, आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, गेहूं का पौधा है, मक्के का पौधा है, रहर का पौधा है, वह क्या होता, उसके प्लांट मूव करते हैं और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं आता, और उसमें जो मूवमेंट होता है वह किसी न किसी स्टिमुलस के कारण होता है। जैसे आप जानते हैं, अगर आप बॉक्स में एक गमले में लगा हुआ पौधा है उसको आप रख दीजिए, और उसमें आप होल बना दीजिए एक जगह से थोड़ा सा, आप देखेंगे कि वह जो पौधा है कुछ दिनों के बाद वह उसी होल से उसका जो शीर्ष होगा जो सीधा था, वो धीरे धीरे, क्योंकि उस होल से लाइट पहुंचेगी और उस लाइट की तरफ वह मूव करना शुरू करेगा, और तुरंत नहीं, धीरे धीरे 2, 4, 6, 10 दिन में धीरे धीरे मूवमेंट होता जाएगा और वह उस होल से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो आपने समझा ये क्यों हुआ, इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि लाइट स्टिमुलस के कारण इस प्लांट के पार्ट में मूवमेंट हुआ, इसलिए बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। आप जानते हैं कोई भी पौधा है, आप लोग देखते भी होंगे, आधी तूफान आता है पौधा गिर जाता है, लेकिन जो उसका स्टेम वाला पोर्शन होता है, जो शीर्ष वाला पोर्शन होता है, जैसे जैसे गांव घर में आपके कहते भी होंगे, अरे भाई बड़ा नुकसान हो गया, फसल तो गिर गई, आंधी तूफान आ गया, लेकिन देखते होंगे धीरे धीरे जैसे जैसे लाइट मिलती जाती है, धूप होती है, वैसे वैसे शीर्ष वाला भाग ऊपर की तरफ जो है स्ट्रेट होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रकाशानुवर्तन गति होती है, लाइट स्टिमुलस के कारण लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं गया, पूरा प्लांट नहीं गया, उसका पार्ट गया, स्टेम गया। इसी तरह जो रूट होती है, आप प्लांट को ऐसे जमीन में क्षैतिज लिटा दीजिए, देखेंगे जो रूट वाला, रूट एपेक्स वाला पोर्शन होगा वो जमीन में अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि क्या शो करता है, जियोट्रॉपिज्म मीन्स गुरुत्वानुवर्तन गति, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका मूवमेंट कहाँ होता है, ग्रेविटी की तरफ, जमीन की तरफ होता है। और वह स्टेम एपेक्स का पोर्शन कहाँ होता है, उसका मूवमेंट होता है लाइट के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होता है। इसी तरह से आप लोग देखते होंगे, तो प्रकाशानुवर्तन की बात हो गई फोटोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिज्म की बात हो गई,
अब आप जानते हैं स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म, इसमें क्या होता है? जैसे आप लोग कोहड़ा लौकी नेनुआ देखते होंगे, उसको ऊपर चढ़ाना है, मढ़े पर ऊपर चढ़ाना है, छान पर ऊपर चढ़ाना है, छत के ऊपर चढ़ाना है, तो आप एक बंबू क्या करते हैं, एक बंबू जो है या एक कोई लकड़ी जो है या पे एक रस्सी बांध देते हैं नीचे से प्लांट में, उसके अपेक्स पर और ऊपर बांध देते हैं। उसका जो टेंड्रिल होता है, जो देखते हैं मुड़ा वाला भाग होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल कोहड़ा लौकी में समर। और वही देखते हैं मटर में भी निकलता है, पत्ती से निकलता है, उसको हम लीफ टेंड्रिल बोलते हैं। लेकिन जो कोहड़ा लौकी नेनुआ में निकलता है वो स्टेम से निकलता है, उसको हम स्टेम टेंड्रिल बोलते हैं, जो लपेटने वाला स्प्रिंग की तरह से। देखते जैसे ऐसे वो रस्सी से डायरेक्शन में जाएगा वैसे मुड़ जाता है, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर मुड़ेगा, तो उस टच के कारण उस रस्सी से स्पर्श होते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने देखा उसको स्पर्शानुवर्तन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी मूवमेंट आप पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं क्या जो है नास्टिक मूवमेंट, और उसमें कौन सा सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, जिसमें स्टिमुलस के डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे छुई मुई है, मीमोसा पुडिका है, लाजवंती नाम आप सुने होंगे, तो उसके आप लीफलेट को चाहे आप नीचे से टच करें, चाहे लेटर साइड से टच करें, चाहे आप ऊपर से टच करें, उसकी पत्तियां हमेशा नीचे की तरफ लटक जाती हैं, लज्जा से झुक जाती हैं, इसीलिए उसका नाम लाजवंती है, या उसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, मीमोसा पुडिका लाजवंती। तो मैंने आपको बताया उसका भी कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको बताएंगे। तो ये सब भी आपने देखा टच स्टिमुलस के कारण हुआ, तीन सारी बातों को डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो ये था आपके जो है प्लांट फिजियोलॉजी में। हाँ, इसके अलावा फिर आपके जो मेन टॉपिक और है फोटोसिंथेसिस, मींस प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, इसको डिटेल में पढ़ना है। कम से कम इससे आपको मान के चलिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा आपको, किससे, फोटोसिंथेसिस से। इसके बाद जो आपका रिस्पायरेशन है, मींस श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन आपको पढ़ना है, इसमें मींस है एक तो आपको टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ना है, एरोबिक और एनएरोबिक। अब एरोबिक में आपको ग्लाइकोलाइसिस है, फिर उसके बाद ईटीएस और क्रेब्स साइकिल पढ़ना है। तो इससे भी आपको कम से कम 5 से 10 नंबर क्वेश्चन मिलने हैं। इसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके प्लांट फिजियोलॉजी में है। ये थर्ड यूनिट तक आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है, लास्ट यूनिट आपकी बायोकेमिस्ट्री है। क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या आता है कि बायोकेमिस्ट्री में आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, एक तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, और क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता, उसका जनरल फार्मूला क्या होता, कार्बोहाइड्रेट को कितने ना, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता। आप जानते हैं मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है,
जीवधारी के लाइफ में। इसी प्रकार से प्रोटीन का पढ़ना है। प्रोटीन क्या होता है, किससे बना होता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसी तरह से लिपिड के बारे में पढ़ना है। और ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये तीनों जूलॉजी के भी बायोकेमिस्ट्री में है सेकेंड ईयर में। तो ये दोनों लगभग मोर आर लेस कॉमन हो जाता है विथ माइन्यूट डिफरेंस। इसके अलावा तीन टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक आपका एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं, तो ये सब आता है एंजाइम में। ये जूलॉजी में नहीं, केवल बॉटनी में। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, मीन डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, यह बीएससी वन में आप जूलॉजी में पढ़े होंगे, वही चीज आपको बीएससी सेकेंड ईयर में ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ना। ये आपकी लास्ट यूनिट है। तो मैंने आपको बताया बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड। तो एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड केवल बॉटनी में, जूलॉजी में नहीं है, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये तीनों जो है आपके जूलॉजी और बॉटनी में कॉमन है। तो मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। एक ब्रीफ मैंने आपको पॉइंट इसके बारे में दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपका, क्योंकि सेकंड पेपर आप काफी कुछ पढ़े हुए, इसलिए उसको बाद में पढ़ाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट पेपर में फैमिलीज आती हैं, फैमिलीज में आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है, कैसे हैं, क्योंकि इंटरों में इस समय कोरोना काल में कैसे कैसे लोग पास हो चुके हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकली वहां पर, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी वो सारी चीजें होती हैं, तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों दिखाते हुए चलेंगे एक एक स्टूडेंट को। इसलिए वो पेपर भी समय शुरू नहीं किया सकता। जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे तो आपको उसके बारे में बताएंगे। अब जो प्लांट फिजियोलॉजी है वही आपका शुरू किया सकता है। और प्लांट फिजियोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, तो आप लोग एक मोटी कॉपी जो है उसके लिए ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी पेपर थोड़ा बड़ा है। सेकंड पेपर छोटा है, लेकिन थर्ड पेपर बड़ा है और फर्स्ट पेपर भी बड़ा है। और लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत, मैंने आपको बताया टाइम टेकिंग है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। तो आप लोग नेक्स्ट अब कॉपी लेकर के जो है बैठेंगे, जिससे आपको टॉपिक को डिक्टेट करते हुए, समझाते हुए नोट्स भी आपको लिखाते चलेंगे। इसलिए कॉपी आप लोग उसकी एक नई ले लीजिएगा। तो आज हम ये इंट्रोडक्टरी क्लास बंद करते हैं। अब नेक्स्ट कल आपका जो है, हेलो, और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि क्या कोई भाई, आपके दिमाग में ये भी बात चल रही होगी कि इसके पहले जब सर क्लास लेते थे एक डेढ़ महीने पहले, तो, और हाँ, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा बता दें हम जो हमारे यहाँ थे बच्चे। देखिए, आप लोग देखे होंगे लगभग फर्स्ट पेपर तो फुल्ली फिनिश हो गया था, सेकंड पेपर भी फुल्ली फिनिश हो गया था, थर्ड पेपर भी हो गया था मोर आर लेस। लगभग 6 दिन का क्लास बचा हुआ था, क्योंकि दो टेरिडोफाइटा के जीनस हो गए थे,
उसके बाद मार्सिलिया आपका बचा था, मार्सिलिया थोड़ा समय लेता 3 दिन, उसके बाद नेफ्रोलेपिस, टेरिडियम और राइनिया, वो एक एक लेक्चर के काम थे, तो मैंने आपको बताया 6 दिन का बचा हुआ था। बीच बीच में कुछ घटनाएं ऐसी होती गई कि मैं भी थोड़ा पैनिक हुआ, सोचा आराम से बनाएंगे, फिर डिसाइड भी हो गया एग्जाम आपका नहीं होगा, इसलिए उसको मैंने नहीं पढ़ाया इसके लिए सारी। और बीच में कैजुअल्टी भी मेरे यहाँ हो गई थी, मेरे चाचा रोड एक्सीडेंट में 8 जून को एक्सपायर कर गए थे, इसीलिए सिर के जो है बाल भी नहीं है, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। और क्योंकि आपके दिमाग में बात हो सकती थी, दिमाग में बात आती क्या बात है, क्योंकि कोरोना काल में तो अच्छे अच्छे निपट गए, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है कि सभी लोग हमारे कोचिंग टीम के सर्वाइव कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो कल।